फिनिशिंग टाइम दिया हुआ है और उस वर्क को करने में कितना टाइम लगा ड्यूरेशन वो भी गिवन है तो कहीं कहीं पे इन तीनों में से एक चीज मिसिंग होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट में देखिए आपको स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम गिवन है उस वर्क को करने में कितना टाइम लगा ड्यूरेशन आपने फाइंड आउट करनी है वो किसमें फाइंड आउट करनी है आवर्स एंड मिनट्स में सो so, फिनिशिंग टाइम में से हम स्टार्टिंग टाइम को माइनस कर देंगे तब हमारे पास ड्यूरेशन आ जाएगी यस yes. लेकिन फिनिशिंग टाइम बच्चों हमारा थ्री ट्वेंटी है और स्टार्टिंग टाइम इलेवन ट्वेल्व है अब ये तो टर्म बड़ी है ये छोटी है इसमें से कैसे सब्ट्रैक्ट होगी हो नहीं पाएगी ना तो उसके लिए हम क्या करेंगे इन दोनों टाइम्स को ट्वेंटी फोर आर क्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे ट्वेंटी फोर आवर क्लॉक में हम कैसे करते हैं अब देखिए ये थ्री ट्वेंटी पीएम है पीएम में जब टाइम होगा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे कैसे उसमें ट्वेल्व ऐड कर दीजिए इसमें ट्वेल्व ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन फिफ्टीन और ये पीछे जो ट्वेंटी मिनट्स हैं वो एज इट इज इसमें ट्वेल्व ओ क्लॉक एड करने पे क्या आ गया आपका फिफ्टीन ट्वेंटी अब फिफ्टीन ट्वेंटी में से आप इलेवन ट्वेल्व को माइनस कर दीजिए अब यहां पे थे ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी में से ट्वेल्व मिनट गए तो कितने रह गए एट मिनट्स आपका एट मिनट आ गया देन आवर्स में से इलेवन आवर्स गए कितने बच गए फोर आवर्स सो आपका आंसर आ गया आवर्स मिनट्स इसी तरीके से नेक्स्ट में देखिए बच्चे स्टार्टिंग टाइम एंड ड्यूरेशन मीन्स आपने ये वर्क इस टाइम पे शुरू किया और उस वर्क को इतना टाइम लगा तो फिनिशिंग टाइम क्या होगा देन हम स्टार्टिंग टाइम में इस ड्यूरेशन को ऐड कर देंगे तब हमारे पास फिनिशिंग टाइम आ जाएगा टू आवर्स में आपने फोर आवर्स एड करने हैं तो टू और फोर सिक्स आवर्स नेक्स्ट ट्वेंटी पीएम मीन्स ट्वेंटी मिनट्स हैं और यहां पे क्या है थर्टी मिनट्स सो ट्वेंटी एंड थर्टी कितना हो गया आपका फिफ्टी मिनट्स सो सिक्स फिफ्टी पीएम ये आपका आंसर आ जाएगा इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है नाउ लेट्स चेक आवर फोर्थ पार्ट इन विच यू हैव टू एड द फॉलोइंग आपको बच्चों टाइम जो है वो इयर्स मंथ और डेज में गिवेन है और आपने एडिशन करना है फॉर एग्जाम्पल सिक्स इयर्स सिक्सटीन डेज इसके अंदर एड करना है आपने एट इयर्स इलेवन मंथ एंड ट्वेंटी डेज तो पहले देखिए आपके पास यूनिट्स क्या क्या है इयर्स है मंथ्स एंड डेज हैं तो उनको एज इट इज आप लिख लीजिए ईयर वाला कॉलम मंथ का कॉलम एंड डेज का कॉलम तो जो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट था इतना इसमें से देख लीजिए इयर्स क्या है सिक्स तो इयर्स के कॉलम में फिल कीजिए मंथ कितने हैं तो उसको भी आप फिल करिए मंथ के कॉलम में नेक्स्ट डेज है आपके पास 16. तो डेज वाले कॉलम में आप 16 फिल कर लीजिए नेक्स्ट इसका आप चेक करेंगे एट ईयर्स तो यहाँ पे लिखिए एट इलेवन मंथ देन इलेवन और डेज कितने हैं ट्वेंटी तो आप यहाँ पे फिल करेंगे ट्वेंटी अब हम इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स ऐड करने पे हमारा आता है 16 20 आप एड करोगे तो कितने बन जाएंगे थर्टी सिक्स डेज और मंथ कितने हो गए इलेवन प्लस मंथ एंड एट प्लस सिक्स बट बच्चों पास इयर्स वाला कॉलम अलग से है तो फिर आप सेवन मंथ क्यों लिखोगे इसमें से ईयर को अलग निकाल लो ना दैट मीन्स अब आपके पास जो थर्टी सिक्स डेज और सेवनटीन मंथ है इनको आप कन्वर्ट करिए इनकी स्पेसिफिक यूनिट्स में अगर हम थर्टी सिक्स डेज को देखते हैं तो थर्टी सिक्स में डेज में से क्या कोई कंप्लीट वन मंथ बन रहा है यस थर्टी डेज को हम वन मंथ कंसीडर करते हैं तो थर्टी सिक्स डेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन मंथ कंप्लीट और सिक्स डेज अलग से जब हम डेज को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे ही आएगा ना वन मंथ एंड सिक्स डेज सो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया ऐसे सेवनटीन मंथ सेवेंटीन मंथ को आप क्या राइट कर सकते हो वन ईयर कंप्लीट क्योंकि वन ईयर में होते हैं ट्वेल्व मंथ तो ट्वेल्व मंथ का हमने वन ईयर बना के लिख लिया और इसमें से ट्वेल्व मंथ निकालने के बाद आपके पास क्या बच गया फाइव मंथ सो वन ईयर प्लस फाइव मंथ लिख सकते हो सेवेंटीन मंथ को ऐसे फोर्टीन ईयर्स को एज इट इज अब आप इसको सॉल्व कर लो फोर्टीन ईयर्स और वन ईयर क्या बन गया फिफ्टीन ईयर्स फाइव मंथ एंड वन मंथ सिक्स मंथ्स और सिक्स डेज आपका था ही तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपने बाकियों को ऐड करना है नेक्स्ट हम करेंगे स्टूडेंट सब्ट्रेक्शन यही आपको यूनिट्स गिवन है ईयर मंथ एंड डेज और आपने करनी है सब्ट्रैक्शन तो उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है ट्वेल्व इयर सिक्स मंथ एंड एटीन डेज फ्रॉम नाइनटीन ईयर एट मंथ एंड सिक्सटीन डेज तो फ्रॉम लिखा है दैट मीन ये जो सेकेंड वाली टर्म है ये बड़ी है तो इसको आप ऊपर लिखेंगे नाइनटीन ईयर्स एट मंथ एंड सिक्सटीन डेज बट स्टूडेंट्स जो नीचे वाले टर्म है उसमें आप यहां पे देखेंगे ईयर्स वाले कॉलम में ट्वेल्व ईयर्स नाइनटीन से लेसर है तो हो सकता है सब नेक्स्ट एट और ये यहाँ पे है सिक्स यहां पे भी हो सकता है सब्ट्रेक्शन बट जब हम डेज वाले कॉलम में जाएंगे तो जो ग्रेटर वाले टर्म थी उसमें है सिक्सटीन डेज और जो स्मॉलर वाले टर्म थी उसमें है एटीन डेज और 16 डेज में से हम 18 डेज को तो सब्ट्रेक्ट नहीं कर सकते तो उसके लिए लेनी पड़ेगी हमें कैरी और कैरी हम कहा से लेंगे मंथ से लेंगे और हमें पता है मंथ किसके इक्वल होता है कितने डेज के इक्वल होता है थर्टी डेज के इक्वल दैट मीन्स अगर हम वन मंथ यहां से लेके आएंगे वन कैरी लेके आएंगे तो वो इधर आके क्या बन जाएगी थर्टी डेज बन जाएगी दैट मीन्स यहाँ पे एट मंथ थे तो आपने वन कैरी ले ली तो क्या बच गया सेवन और वो वन मंथ डेज वाले कॉलम में आके क्या बन जाएगा थर्टी डेज तो थर्टी डेज ये हो गए और सिक्सटीन पहले से ही थे तो थर्टी और सिक्सटीन कितने बन गए 46 days. तो अब आप, यहां पे 16 नहीं लिखो आप क्या लिखोगे फोर्टी सिक्स अब फोर्टी सिक्स में से एटीन को माइनस कर लो आपके पास बच गए ट्वेंटी एट डेज और सेवन माइनस वन वन मंथ नाइनटीन माइनस ट्वेल्व सेवन ईयर्स तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका आंसर इसी तरीके से आपने बाकी सम सॉल्व करने हैं सो सॉल्व थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज टेन पॉइंट फोर